गुड मॉर्निंग। आज हम सी टेट का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 2018 का पेपर है। फर्स्ट है बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 1, किरण कार्टर विधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रोवेल ने। सेकंड, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं? थॉर्न। थर्ड है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। फोर्थ है, डिसलेक्शिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से। फिफ्थ, वेलिपी एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त होता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। नंबर 6, CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सात, इनमें से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? प्रतीक वृद्धि। आठ, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है इलाहाबाद में। क्वेश्चन 9, जो संबंध स्किनर का चूहों से है थॉर्नडाइक का बिल्लियों से वही संबंध कोहलर का वन मानसों से है। 10, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन 11, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। 12, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण किया है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को किसने प्रस्तावित किया है हल। 14, इसमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है डेविस होम। 15, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है दूरवर्ती स्तर। 16, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है। बी व्याख्यान। 17 है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। 18, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है अभिभावक कथन। थैंक यू।